So hello and hello friends, my name is Abhishek Singh Bistam. Welcome back to my gaming channel Gaming Aura. I hope आप लोग अच्छे होंगे यार, मैं भी अच्छा हूँ। तो बात करते हैं कुछ गेमिंग के बारे में। तो यार सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं पे स्किप मत करना इस वीडियो का यार, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि आपको हर एक फ्री फायर के रिगार्डिंग अपडेट सबसे पहले मिल सके। और इसके बाद मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज में आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक ड्रेस आने वाली है जो कि हमारी शर्ट के ऊपर है। तो ये काफ़ी अच्छी ड्रेस है, बट यार अभी मैं कहूँ यहाँ पर ड्रेसेस में पैसे खर्च करना कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप इस पैसे को कहीं और जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और चाहे तो आप अपने लिए एलीट पास खरीद सकते हो, या फिर किसी को आप डोनेट कर सकते हो, या फिर उनको गिफ्ट दे सकते हो। यहाँ पर ड्रेसेस में पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ जो अगला अपडेट आ रहा है वो मेरे पास इन ड्रेसेस का आ रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों ड्रेसेस आने वाले हैं, दोनों के दोनों पपेट थीम के ऊपर है, ठीक है। तो देखने की बात है कि दोनों के दोनों अच्छी ड्रेसेस है, बट यार अभी मैं कहूँ तो इनमें कोई पैसा खर्च करने की बात नहीं है। पहली तो आपकी एक्विट ब्लू है और दूसरी वाली का मुझे नाम नहीं पता ढंग से, बट दोनों के दोनों किसी काम की नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया आप इलेट पास ले लेना इन डायमंड को जोड़ करके, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक और वीडियो इसके अंदर अटैच मिलेगी, जिसके अंदर मैं अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको जैकपॉट किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से आप अपने लिए इजीली जैकपॉट जीत सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप पूरी वीडियो देखोगे, उस पार्ट को भी पूरा देखोगे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है। मैं पूरा जैकपॉट पूरा बताऊँगा कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको स्पिन किस तरीके से करना है। तो स्पिन आपको तीन तरीके मिलेंगे, आपको पता होगा पहले 10 डायमंड का स्पिन है जो कि एक नॉर्मल स्पिन है, फिर उसके बाद एक आपका है सुपर स्पिन, ठीक है। 10 उसमें 10 गुना ज़्यादा चांस होते हैं आपके जीतने के, ठीक है। तो अगर वो 40 डायमंड का है, उसके साथ आपका 10 स्पिन्स है जो कि 90 डायमंड की, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल रहा है, 10 डायमंड का ऑफ मिल रहा है, आप 10 स्पिन एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया वही चीज़, ठीक है, जैसे हमारा गोल्डन रॉयल वाउचर या फिर डायमंड रॉयल वाउचर की तरह स्पिन होता है, ठीक है। और इसमें खास बात है सुपर स्पिन। साथ में आपको बता देता हूँ इंटरफेस में आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपके जो डायमंड है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई ये लगातार बढ़ रहे हैं, 999 क्यों नहीं हो रहे जबकि 999 के हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जब कभी भी कोई से बंदा इस पूरे रॉयल वाउचर को, मान लीजिए यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस विजय फायर जीत गया 999 डायमंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो जिसने जीता है उसका नाम बार बार आएगा, ठीक है, जो जो बंदे जीतते जाएंगे। और जैसे ही किसी भी रिलीजियस में कोई बंदा जीतेगा, उसके बाद वो जितने भी डायमंड हैं वो सारे 1000 पे वापस आ जाएगा। ये सिस्टम दोबारा से चालू होगा 1000 से, फिर इसका इन बिटवीन कोई जीत गया तो उसको फिर दोबारा मिलेगा, फिर दोबारा 1000 स्टार्ट होगा। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको सिंपल, जैसे हम लोग मान लो एक रिवर है, ठीक है, वो फ्लो कर रही है, ठीक है, और वहाँ पर किसी ने अगर उसको तोड़ दिया तो वो रिवर शुरू से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर 373734 यहाँ पर ये जीत गया बंदा, तो इसके बाद ये सिस्टम दोबारा से चालू होगा 1000 से, ठीक है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, फिर इसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने एक और चीज़ करी कि मान लो अगर आपने 50 स्पिन कर दिए, 100 स्पिन कर दिए, 200 स्पिन कर दिए, ठीक है, इतने ड्रॉ आपने कर दिए, इसके बाद भी अगर आप नहीं जीते तो यहाँ पर अगर आपने 50 स्पिन खत्म कर दिए तो आपको हेलो अमाउंट मिलेगा। अगर आपने 100 स्पिन खत्म कर दिए तो आपको फुल आर्म टैटू वाला वो मिलेगा आपको ऊपर का आर्म, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे हमारे 200 कंप्लीट कर दे तो आपको मिलेगी एक डेडली स्माइल, आप इसको क्लेम कर सकते हो, परमानेंट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप नहीं जीत, मान लीजिए आपका किस्मत अच्छी नहीं रही, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, अगर आप तीनों के तीनों आपके वो आ जाते हैं, जैसे आपकी जो डायमंड की पेटियाँ आ जाती हैं, डायमंड के बॉक्सेस आ जाते हैं, तब आपको मिलेगा जैकपॉट। जितने भी डायमंड इस टाइम पे चल रहे होंगे, जैसे अभी यहाँ पे 1482 चल रहा है, तो अगर मैंने अभी जीत गया तो मुझे 1482 मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे तीनों के तीनों बॉय के जो हमारा बंडल है स्टार ऑफ 2019, तो यह अगर आ गए तीनों के तीनों, तो सेम वैसी है जैसे हम लोग कसिनो में खेलते हैं, तो सेम वही चीज़ है। अगर यहाँ पर दो हमारे जैकपॉट आते हैं तो हमारे को मिलता है गोल्ड 3000 गोल्ड, ठीक है। अगर दो वो आते हैं तो वहाँ पर हमको मिलता है एक स्काईलाइन। सेम इस तरीके से आपको स्क्रीन पर आपकी आप अपनी गेम में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जीतने का क्या तरीका है भाई, जीतने का साफ सीधा ये तरीका है कि वेट करो, ठीक है, वेट करो 999999 होने का, मतलब कि 9999 होने का, साथ से उसी टाइम पे कर दो अपने बहुत सारे स्पिन स्टार्ट। बट अभी भी कहूँगा मैं आपको यहाँ पे स्पिन करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अपने डायमंड बचा लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने डायमंड खर्च करोगे तो भाई आपके अगला इलेट पास आने वाला है, जो कि आपको पता है काफ़ी तगड़ा इलेट पास है, इमोट है उसके अंदर, साथ में आपकी गनों की स्किन है, कितना कुछ है। ये आप 9999 जीतने के चक्कर में कितने सारे डायमंड वेस्ट कर दोगे आपको नहीं पता है। तो अभी भी मैं कहूँगा यहाँ पे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे साइड में आपको विनर लिस्ट मिल रही होगी जिन बंदों ने जीता है, बट यहाँ पे अभी इस विनर लिस्ट में खाली उनके नाम आएंगे जिन्होंने बंडल जीते हैं कपड़ों के, या फिर उन्होंने कोई स्केटबोर्ड जीती है, या फिर उन्होंने बैकपैक जीता है। जिन्होंने डायमंड जीते हैं उनका नाम हमारे जो राइट हैंड कॉर्नर के टॉप में वहाँ पर दिखेगा, ठीक है।
तो मैंने भी अभी एक बार ट्राई कर लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे जीतने का, कोई जीतने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अपने डायमंड वेस्ट करने हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं अभी भी कहूँगा कि अभी इसको यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पैसे खर्च करने की, अपने एलीट पास के लिए वेट करो। एलीट पास काफ़ी अच्छा आने वाला है, उसमें अपने डायमंड यूज़ करना है। तो यार ये तो होगी हमारे डायमंड जैकपॉट की बात। इसके बाद भी अगर आपके कोई ऐसे डाउट रहते हैं जो कि आपको समझ ना आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन पूरी तरह से आपका, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, अब आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते थे कि यार तेरे से कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई नंबर दे या कोई तरीका बता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे यूट्यूब पर कनेक्ट होते हो तो यूट्यूब में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक पोस्ट मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ से आप हम लोग को यूट्यूब पर, हमारा जो चैट सिस्टम आ रखा है उसको हम यूज़ करते हुए आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे डायरेक्ट चैट करते हैं और हम लोग एक दूसरे के जो डाउट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं, ठीक है। और साथ ही बताना चाहूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आने वाला है 28 को, उसके ऊपर एक बड़ी चीज़ आई है मेरे सामने कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो उसके ऊपर मेरे पास एक अपडेट है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आई होप अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जब कभी भी वो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यार इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भैया चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ भैया कमेंट भी कर देना इस बार कि वीडियो कैसी, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय।